अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक है। तो जी, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। वीडियो के साथ साथ रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जी हम बना रहे हैं गोभी। रात हमने मंगाई थी, लेकिन रात सबने कहा कि अभी हमने नहीं खाली, सुबह ताज़ा बनानी है, तो इसलिए मैंने कहा अभी काट के रख देते हैं। और मुकद्दस की बात है, जब से खराब हुई है बहुत ही ज़्यादा टेंशन बनी खड़ी है। तो अब लोधरा का चक्कर लगे तो हम ले आए, तो मुकद्दस अभी दादी के पास है, क्योंकि या तो उसको कोई उठा के बैठे नीचे, उसको छोड़ तो वो हर चीज़ उठा के खा लेती है, तो इस वजह से बड़ी परेशानी भी फिलहाल बनी हुई है। ले आएंगे, ले आएंगे, अल्लाह खैर करेगा। वैसे गोभी है अच्छी, नेचुरल चीज है। तो अभी बंद गोभी तो हर वक्त बनाते हैं, वो सब्जियां जो है ना, वो सब्जियां अब चेंज हो रही हैं, देखिए कितनी जबरदस्त है। अब नई सब्जियां आ रही हैं सर्दियों वाली। तो जी व्लॉग इंशाल्लाह आज का भी बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो आपने वीडियो के साथ साथ रहना है। और इसके अलावा जो बहन भाई हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी हमारे चैनल चलते हैं, वरना हमारे एक वीडियो बनाने से कुछ भी नहीं होता है। तो इस तरह से सपोर्ट करते रहना है। और एक सिस्टर थी, पता नहीं कौन था, भाई था पता नहीं, कमेंट, हाँ सिस्टर थी मेरे ख्याल में, कमेंट कह रही थी कि सब लोग सुबह उठ के नमाज पढ़ते हैं और मतलब कि दूसरे काम करते हैं, आप सुबह सुबह उठ के लिपस्टिक लगा के वीडियो बनाना शुरू हो गई। तो इसका जवाब भी किसी मेरी बहन ने उसको नीचे दे दिया कि कोई गुनाह नहीं है लिपस्टिक लगाना, ठीक है ना। तो बाकी सुबह की बात, शादीशुदा औरत लिपस्टिक नहीं लगा सकती, अब है। काम जो करता है बंदा उसमें थोड़ा बहुत बंदा तैयार होता ही है, अब ऐसे तो नहीं बंदा शुरू हो जाता। मैं जैसे अपने चैनल पे काम कर रही हूँ, मेहनत करती हूँ, आगे का नहीं सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा, मेहनत करनी चाहिए। हमारे बहन भाई है हमारा साथ देने के लिए, आप चैनल शुरू करें। अच्छा हाँ, बंद पड़े हैं तीन चैनल है, तीनों ही बंद पड़े हैं। आप तो मतलब के औरतों के लिए तो मजबूरी होती है कि अंदर ही घर में ये वीडियो बनानी पड़ती है ज्यादातर, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, आप बाहर जाके बनाओ, अच्छे से व्लॉग बनाओ, सब बनाते हैं। बाहर जाके खराब हो, बाहर जाके बनाऊँ, सबसे पहली कॉल तो आपकी आती है कि आप कहाँ हो। ऐसी बात है, लोग तो फिर दूर दूर तक जाके व्लॉग बनाते हैं। आप बनाए ना, आप तो इतना बर्दाश्त नहीं करती कि दो घंटे ये कहाँ चला गया है। मैं कोई बात नहीं करती, आप करती हो? नहीं करती। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं व्लॉग बनाने के लिए अभी जाता हूँ भावलपुर या लोधरा या मुल्तान, ठीक है? तो चलो मैं भी साथ चलूंगी, मैं बस यही बात है, अपना बनाना, यही तो बात है, यही तो मसला है। जो मियां बीवी व्लॉग बनाते हैं सब के अपने चैनल है, वो आप पहले वाली बात नहीं है ना, पहले तो मैं आपको लेके जाता था, अब मुकद्दस साथ होती है। माशाल्लाह बड़ी होगी, कोई टेंशन नहीं है। नहीं नहीं, इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि वो बर्दाश्त कर सके, एक दिन भी वो नींद बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले आप चैनल तो शुरू करें, फिर देखते हैं। चले अल्लाह खैर करेगा। चाय पीनी है? बस आप रोटी बना लो फिर चाय पीऊंगा, रोटी तो बना, चाय मैंने पहले बनाई हुई है। उधर फिर आग तो नहीं होगी ना, गर्म तो करनी पड़ेगी। हाँ। अभी जो हमारा सालन तैयार हो रहा है, देखे मरज, देखो किधर गई मरज, ये देखो। और भी थी मुझे बताओ ना बहन भाइयों, कैसे बनाया है क्या सालन? ये जैसे दूसरी गोभी बनती है, ये भी वैसी बनती है। आलू नहीं डाले फिर साबरा? आलू थे ही नहीं, आज खत्म हो गए थे रात, बगैर आलू के तो ये रात मैंने आलू बना लिए थे ना, कोई मजा भी नहीं है इसमें। फिर इसमें आलू डलते हैं, मुझे नहीं लगता। हाँ आलू डलते हैं इसमें, बहुत ही जबरदस्त, ये तो प्याज वाली होती है ना, ये ऐसे टेस्टी बनती है, टेस्टी टेस्टी ज्यादा अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है सर। अभी जी ये देखिए मुकद्दस के खिलौने भी इधर पड़े हुए हैं पूरा, तो इसका भी किस तरह से सेटिंग किया गया, देखिए इधर जो बेड पड़ा हुआ था वो बेड हमने इधर रखा है, उस जगह पे इधर रखा है सोफा, और इधर भी दो सोफे पड़े हुए हैं, मुकम्मल सेटिंग हो चुके हैं। अब ये हमारा कमरा बिल्कुल खुला खुला हो गया, एक चारपाई इधर रखी हुई है, क्योंकि रात के टाइम में कभी कभार अगर सर्दी भी हो तो मुकद्दस के अबू इधर आके सो जाते हैं, तो हम उस रूम में कभी सो जाते हैं कभी इधर सो जाते हैं, हमारा एक ठिकाना नहीं है, घूमते रहते हैं। और माशाल्लाह से इसकी सफाई मुकम्मल मैंने कर दी है और बहुत खूबसूरत चल रहा है। ये देखे खाल पे पानी आ गया है, और बता रहे थे कि इस बार जो पानी आएगा बिल्कुल साफ होगा, लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये पानी साफ है, ये देखिए अभी नहीं ऐसा, मेरे हाथों को मेहंदी लगी हुई है ये पीछे,
तो अम्मी अभी आई थी तो कह रही थी कि मुझे मेहंदी लगा दो बालों को, अम्मी को लगाई, मेरे हाथों को भी सारी लग गई है, हाथ लाल हो गए। ये मेहंदी इतनी जबरदस्त है ना, ये एक स्क्वायर फीट का पूरा मिलता है, पूरा इतना एक बार नहीं बल्कि तीन चार बार लगाओ फिर भी बहुत ज्यादा होती है उसमें। इनको पानी नहीं लगाया आज, अब इनकी कटिंग करें ना, ये बड़े हो गए माशाल्लाह, गोल गोल कटिंग अब इनकी करें। ये देखिए जी आज इसके फिर से फूल निकल रहे हैं, इतने इसके फूल निकलते ना, ये देखो ये वाले जो आपको टिंडे नजर आ रहे हैं, ये कल तक इंशाल्लाह सारे फूल निकलेंगे। लेकिन ये फैला नहीं है, जैसे इतने बड़े बड़े फैल जाते हैं ना वैसे ही हुआ इस बार। ये वाटर टूट पड़ी है, मुकद्दस कल मैंने तोड़ दी थी, इसलिए मेरी बेटी को गिराया है, इसलिए मैंने इसको तोड़ दिया। मैंने कहा होगी ना, कोई इसमें बिठाएगा ना वो दोबारा से गिरेगी, जब नई ले आएंगे फिर बैठेगी। गिर जाएगी, गिर जाएगी, उठा लो इसको, सच में गिर जाएगी। नहीं नहीं गिर जाएगी, इधर आओ मुकद्दस, बाजा बाजा, पकड़ो इसको, पकड़ो इसको, पकड़ो, अल्लाह की बंदी गिर जाएगी ये। इधर आओ मुकद्दस, इधर आओ, बात सुनो मुकद्दस, बात सुनो, ये मुकद्दस को, ये सब कुछ मुकद्दस का है, पकड़ो, है ना मुकद्दस। अभी मुकद्दस खेल रही है थोड़ी देर तक, मुकद्दस सोएगी फिर, है ना। अब ये कंघा करने देती है ना, सुमा पहनने देती है, कहते हैं मजे है नरम जगह ना, क्या हुआ है दादा, दादा साचा देखो देखो देखो, हाथ लगाती ऐसे जोर से, जोर डराओ नहीं, डराओ नहीं, ना डराओ नहीं, डराओ नहीं, डराओ। ये देखिए जी मुकद्दस रात गिरी है, इसके नाक पे सारा जख्म हो गया है, वही कल गिरी थी, है ना मुकद्दस। वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, अभी इसने तंग किया हुआ है, सोएगी, थकी हुई है, तो अपना ड्रेसर का ख्याल रखने, दुआओं में याद रखने, नेक्स्ट वीडियो तक जा दीजिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, आप करो अल्लाह हाफिज।